हम सब अपनी सृष्टि को लेकर चिंतित हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। शायद हम ये राज भूल चुके हैं कि संकल्प से सृष्टि बनती है। इंजीनियर्स डे, ओजोन डे और विश्वकर्मा डे के उपलक्ष में ब्रह्मा कुमारीज साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स विंग लाए हैं 3 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस बियॉन्ड एक्सीलेंस पीपल एंड प्लैनेट। नमस्कार, सुप्रभात, ओम शांति। आप सभी का स्वागत है ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग के इस विशेष ई कॉन्फ्रेंस में। कल हम इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे और इस कॉन्फ्रेंस में आप सभी हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छे विचारों की लेन देन हुई। आज इस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन का यह सत्र है, पहला वाला, और इसमें हम आज ओजोन डे के रूप में आज के दिवस को मना रहे हैं। तो ओजोन फॉर लाइफ, यानी ओजोन की परत हम सबके जीवन के लिए कितनी आवश्यक है, इस पर चिंतन करने के लिए ये विश्वव्यापी दिवस मनाया जाता है। आज इस कॉन्फ्रेंस में भी हम इससे जुड़े हुए कुछ विचारों पर चिंतन करते हैं। आज के इस दूसरे दिवस के पहले सत्र के लिए हमने एक थीम चुना है, वो है सिंप्लिसिटी और सस्टेनेबिलिटी का। हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा हम भौतिकवादी होते जा रहे हैं, उतना ही हम अनसस्टेनेबल होते जा रहे हैं। आज हम यूज़ एंड थ्रो के कल्चर में रह रहे हैं। ऐसे में किसी भी चीज़ की सस्टेनेबिलिटी पे जब प्रश्न उठता है तो लोग समझते हैं कि किसी चीज़ को पुराने होने के बाद उसे फेंका ही तो जाना चाहिए। मगर आज से लगभग 20 साल पहले भी अगर हम पलट कर देखें तो चीज़ों को रीयूज़ करने के बारे में, एक सिंपल लाइफ को बिताने के बारे में बहुत गहरा चिंतन और एक बहुत गहरी विचारधारा चलती आई है। सदियों से चले आते हुए इन विचारों को हमने अचानक कंज्यूमरिज्म के चलते एक अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अपना कर ठुकरा दिया। अब ऐसे में हम नए चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, पोल्यूशन को देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है। क्या ऐसे में वापस उस सिंप्लिसिटी पर लौटना संभव नहीं है? क्या वापस एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बनाना संभव नहीं है? और ये सारे उत्तर हमारे अपने पास हैं, हमारे अपने व्यवहार को, हमारे अपने चिंतन को बदलने पर निर्भर करता है। आइए इसी विषय पर पहले वक्ता को आमंत्रित करते हैं। हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी अंजलि बहन जुड़ रही हैं, जो ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप एक केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और साथ में एक मैनेजमेंट ट्रेनर हैं। आइए सुनते हैं आपसे। ओम शांति। आज 16 सितंबर ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या है यह ओजोन दिवस और ये क्यों मनाया जाता है? क्या ये कोई खुशी की वार्ता देता है यह दिवस हमको, या हमको और जागरूक होकर के अपनी जीवन शैली, अपने आजू बाजू जो प्रकृति है उसकी हमको कोई रूप से एक अवेकनिंग देता है, एक जागरूकता देता है? क्या है यह ओजोन दिवस? ओजोन दिवस मनाया इसलिए जाता है क्योंकि हमको हमारी धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन की परत है उसकी संरक्षणा के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इस परत को हमको बचाकर रखना है। यह परत यदि कम होती जाए तो इससे क्या नुकसान होते हैं और यह परत हम कैसे बनाए रखें? तो पहले ये थोड़ा सा हम समझेंगे और उसके आधार पर, अर्थात ओजोन की जो परत है इसकी संरक्षणा के लिए हम
अर्थात आप और मैं, एक कॉमन मैन, एक साधारण व्यक्ति, हम इसकी संरचना के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे, जिसमें आज हमारा विषय होगा सिंप्लिसिटी एंड सस्टेनेंस, अर्थात ओजोन परत की संरचना हो, सस्टेन हो, वो परत बनी रहे, उसके लिए सिंप्लिसिटी अर्थात सादगी वाला जीवन कैसे मदद कर सकता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये ओजोन डे, प्रिजर्वेशन ऑफ द लेयर ऑफ ओजोन, ये दिवस क्या है? तो बात ये है कि यूनाइटेड नेशंस में दिसंबर 19, 1994 उस दिन डिक्लेयर किया गया कि 16 सितंबर हर साल ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, अर्थात पहला ओजोन दिवस, इसका मतलब है ही ओजोन परत की संरक्षणा दिवस, ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे। यह पहला दिवस मनाया गया 16 सितंबर 1995 में। तो ये ओजोन लेयर करता क्या है एंड ये ओजोन लेयर का बना रहना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हम तो यहाँ धरती पर है, हम तो हमारा कामकाज कर रहे हैं और वहां ऊपर उस ओजोन लेयर के साथ यहाँ मैं धरती पर किस प्रकार से कनेक्टेड हूँ? मैं यहाँ पर कुछ करता हूँ, उसका प्रभाव वहां ओजोन लेयर पर कैसे गिरता है? आज का विषय यह रहेगा, यह हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि इस लेयर की संरचना के लिए हमारी जीवन में हम सादगी अपनाते हैं तो इससे उस ओजोन लेयर की संरचना कैसे हो सकती है। तो ये ओजोन लेयर पहले क्या है? आप यदि बाहर जाना चाहते हैं और बहुत तेज धूप है तो आप क्या करेंगे? आप अपने साथ क्या ले जाएंगे? छाता ले जाएंगे, ये तो कोई बहुत बड़ी पहेली नहीं है। बरसात हो रही है तो भी आप क्या करेंगे? अपने साथ छाता रखेंगे। तो जैसे कड़क धूप से या बरसात से, पानी से बचाव के लिए हम छाता यूज करते हैं, यह एक छत्र छाया बन जाता है। अब यही छाता, बहुत बड़ा छाता, हमारी धरती जो है गोल, उसके पूरे चारों तरफ गोल, समझिए एक छाता बना हुआ है, प्रकृति ने बनाकर रखा हुआ है। और ये छाता हमको किससे बचा रहा है? सूर्य की किरणें तो चाहिए ही, क्योंकि धरती पर जो भी प्रकृति है उसका पालन पोषण सूर्य की किरणें से मेन होता है। हम कहते हैं ना धूप चाहिए, वनस्पति के लिए धूप चाहिए, सिर्फ धूप ही नहीं चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, लेकिन धूप भी जरूर चाहिए। यदि बहुत ज्यादा तेज धूप हो तो क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे मर जाएंगे। वैसे ही प्राणी पानी पानी न, इस चाह में उनको भी बहुत प्यास लगेगी, और यदि समय पर पानी न मिले या यदि पानी कम हो जाए क्योंकि तपत बहुत ज्यादा है तो वो भी मर जाएंगे। सिर्फ प्रकृति, वनस्पति, पशु पक्षी यही मरेंगे? या यदि वह तेज किरणें सूर्य की, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेस कहा जाता है, वो किरणें यदि धरती पर पहुंच जाए बहुत ज्यादा मात्रा में, तो सिर्फ प्रकृति पर ही नहीं, हम मनुष्यों के ऊपर भी उसका बहुत दुर्प्रभाव पड़ता है। अभी तो बहुत रिसर्च चल रही है
कि इसका प्रभाव हमारी हेल्थ के ऊपर भी कैसे पड़ता है। मतलब कि जो रेस पहुंच रही है धरती पर, विशेष अल्ट्रावायलेट रेस, वो रेस कम से कम मात्रा में पहुंचे, हानिकारक ना हो, तो वो जो बचाव हमारा हो रहा है, प्रोटेक्शन हमारा हो रहा है, वो जो छाता प्रकृति ने हमको बना करके दिया हुआ है, वो छाते का नाम ही ओजोन लेयर है। और ये ओजोन लेयर बना हुआ है कौन से एलिमेंट से? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन शब्द तो हम सबको पता ही है। अब धरती पर जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हम यहाँ जीवित रहे ऑक्सीजन श्वास लेने के लिए भी, लेकिन उसके लिए ये ओजोन चाहिए। ऑक्सीजन का फॉर्मूला आता है O2 और ओजोन का फॉर्मूला आता है O3। तो इस प्रकार से हमको यह ओजोन लेयर बहुत ज्यादा मदद करता है, इसलिए हमको थैंक्स करना चाहिए। लेकिन समय के साथ क्या हो रहा है? यह ओजोन लेयर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कारण क्या है? क्यों कम हो रहा है? और यदि कम होगा तो क्या नुकसान होगा? जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज है वो बहुत ज्यादा मात्रा में धरती पर पहुंचेंगे, और बहुत ज्यादा मात्रा में धरती पर पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो नेचुरली क्या हो जाएगा? जो भी ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ के चट्टान, वो जल्दी जल्दी पिघलने शुरू होंगे, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा और बहुत प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं होगी। तो क्या हम यह चाहते हैं कि इस प्रकार से हो? नहीं। यदि फिर हम यह नहीं चाहते हैं, अर्थात हमको ओजोन लेयर की संरक्षणा करनी है, तो आता है बड़ा प्रश्न, हम क्या करें? तो हम सोचते हैं ये तो गवर्नमेंट्स का काम है, ये तो देशों का काम है, उनको आपस में बैठ करके पॉलिसीज बनानी चाहिए, ये तो उनको करना है, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि आप एक व्यक्ति के नाते, एक इंडिविजुअल के नाते, अपने लेवल पर आप किस प्रकार की कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप यहाँ ओजोन लेयर, इसकी संरचना हो और इसकी जो डिप्लीशन है वो डिप्लीशन हम रोक सके। अच्छा, ओजोन लेयर की परत जो है, ओजोन की परत, वो कम क्यों होती जा रही है? उसमें तो ऑक्सीजन है और भी है, O3 जैसे मैंने बताया। तो क्या होता है, धरती पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्रीज है, उसमें से धुआं निकला, धुएं में क्या होता है? कार्बन, यह एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, और भी बहुत ज्यादा जो फ्यूल निकलता है, जो भी निकलता है विषैले पदार्थ, उसमें भी विशेष नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी एक विषैला पदार्थ है, और ये पदार्थ इतने एक्टिव होते हैं कि वो ओजोन लेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो रिएक्शन में आते हैं, और वो लेयर धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसे समझिए जैसे कि उस लेयर को वो धीरे धीरे खा लेते हैं, जैसे एसिड खाता है कोई भी बर्तन को, ऐसे ही ये जो गैसेस है, ये गैसेस उस लेयर को धीरे धीरे खा रहे हैं, और वो लेयर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान अभी हमने समझा। तो इसका मतलब अभी हमको ऐसे गैसेस ज्यादा से ज्यादा एमिनेट न हो, अर्थात ऐसे गैसेस ज्यादा न निकले, फैक्ट्रियों से इतना धुआं न निकले। और कहाँ से निकलता है धुआं? और धुआं निकलता है हमारी गाड़ियों से ना? और गाड़ियां कितनी यूज हो रही है? रास्ते हम देखते हैं, भारत में तो हम देखते हैं सदा ट्रैफिक जाम लगा रहता है,
बड़े-बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम कितना होता है, और उस समय जब वो हम गाड़ियां खड़ी है और धुआं निकलते जा रहा है, हजारों गाड़ियों से, लाखों गाड़ियों से धुआं निकलते जा रहा है, तो ये धुआं क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है? नहीं कर रहा है? ये धुआं जाकर उस ओजोन लेयर के साथ, वहां उसके साथ रिएक्ट करते जा रहा है, और वो परत कम होने का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। तो अभी हमको इस बात को समझना है कि कैसे हम इस ओजोन लेयर की संरक्षण कर सके और ये ओजोन लेयर बना रहे, सस्टेन हो, मतलब कि ये बना रहे, ये खत्म न हो जाए। यदि ओजोन लेयर खत्म, यहाँ हम सब की जान खतरे में पड़ जाएगी। तो हमारा और ओजोन लेयर के रहने का, वो ओजोन लेयर रहना जरूरी है, तो इसका कनेक्शन पहले समझना बहुत बहुत आवश्यक है। आपको समझ में आ ही गया होगा, छतरी है वो, और वो छतरी जरूरी है। हम ऐसे नहीं कह सकते अच्छा मुझे थोड़ी दूर ही तो जाना है तो चलो मैं छाता न भी ले जाऊं और सनस्ट्रोक हो जाए तो, और धरती पर तो यह, यदि सिविलाइजेशन रहना है, सस्टेन होना है, मतलब इसका भरण पोषण हो, यहाँ चलता रहे, ये दुनिया चलती रहे, उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि यह ओजोन लेयर की संरचना हो। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे आपने टाइटल सुना, सिंप्लिसिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, अर्थात हमारे सादगी भरे जीवन से हम सस्टेन कर सकते हैं, अर्थात हम जो वो ओजोन की परत है उस परत को बनाए रखने में हम मदद कर सकते हैं। वो परत कम ना हो उसके लिए इस धरती पर सादगी वाला जीवन अपनाएं। आज यह टॉपिक है कि हम सादगी जीवन में लाए, सिंप्लिसिटी जीवन में लाए, तो हम उस ओजोन लेयर को सस्टेन कर सकते हैं। आश्चर्य हो रहा है आपको सुनकर कि आप जो यहाँ करोगे धरती पर, वह उतना दूर, कितने किलोमीटर ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। हमको ये तो पता ही है कि हम जैसे कर्म करते हैं उसका प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है, हम जो कर्म करते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, हम जो कर्म करते हैं उसका हमको रिजल्ट जो है वो मिलता ही है। तो चलिए हम सब मिलकर के अब कैसे कर्म करें जिसके आधार पर मदर नेचर, माँ है ये प्रकृति, तो इस प्रकृति को हम कैसे मदद करें, इसकी संरचना कैसे करें। ये जो विषैली गैसेस निकलती है, खास कार्बन जो निकलता है और विषैली गैसेस निकलती है, इन गैसेस का कम से कम एमिशन हो या मिनिमम हो ही नहीं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम तो फैक्ट्रियों में जाकर के ना लोगों को बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री वाले जब फैक्ट्री का निर्माण करते हैं वो तो गवर्नमेंट के साथ, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उसके साथ वो सारे सर्टिफिकेट्स लेना करना वो सारा करते हैं, जिसके आधार पर हम कम से कम विषैली गैसेस छोड़ेंगे या पानी भी जो है कम से कम विषैला होगा, ऐसे उनके साथ गवर्नमेंट जो है वो सारा देखती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? फैक्ट्रियों में जो चीजें बनती है मोस्टली किन के लिए बनती है? हमारे लिए बनती है। और हमको कितनी चीजें चाहिए? आजकल तो बहुत ज्यादा चीजें चाहिए, है ना? या बहुत ज्यादा चीजें देख करके हम हैरान हो रहे हैं। देखिए, पहले खरीदी के लिए जाते थे, लेटर से एक साबुन ही खरीदना होता था, तो सीधा गए, दो चार प्रकार के साबुन होते थे उसमें से एक साबुन लिया और आ गए। आज आप मॉल में चले जाओ तो क्या हो जाता है? आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं कौन सा साबुन खरीदूं, इतनी वैरायटी साबुनों की,
क्यों इतनी वैरायटी साबुनों की? हर साबुन अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है, ये वाला साबुन लगाओ तो आपकी त्वचा को ये मदद मिलेगी, ये वाला करो तो ऐसे होगा, आपकी सुंदरता बढ़ेगी। तो ये सारा देखकर हम हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं इस बार ये साबुन, अगली बार ये साबुन। और उसके साथ साथ और एक चीज हमको वहां पर मिलती है, आप दो साबुन खरीदोगे तो दो साबुन फ्री मिल जाएंगे। अब घर में चार साबुन पड़े हैं, लेकिन जैसे ही ये देखते हैं सेल, तो लगता है कोई बात नहीं ना, खरीद लेंगे, इससे क्या होने वाला है, मेरे दो साबुन खरीदने से क्या होने वाला है, घर में कम पैसे में मैं ज्यादा साबुन जो है वो रख सकता हूँ, फायदा ही होने वाला है। लेकिन हम एक ही नहीं खरीद रहे हैं ना, हमारे जैसे लाखों खरीद रहे हैं, करोड़ों लोग खरीद रहे हैं। तो सिर्फ दो साबुन नहीं खरीदे गए, कितने साबुन खरीदे गए, करोड़ों में साबुन खरीदे गए। जरूरी था नहीं था, लेकिन हमारी जो कंज्यूम करने की आदत है, चाहिए चाहिए, बहुत चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये जो कंज्यूमरिज्म है, इस कारण से क्या हो रहा है, फैक्ट्रियां भी बहुत सामान जो है वो तैयार करती जा रही है, और एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा हमको वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और मानव मन उस अट्रैक्शंस में जो है वो खो जाता है। वो सारा माया का जाल, ये आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूं, लेकिन अट्रैक्शन में आ जाते हैं। जैसे सीता अट्रैक्शन में आ गई थी ना, उसने देखा हिरण, कौन सा, सोने का हिरण, और बस उसकी दिल उसके ऊपर गई, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। ऐसे ही हमारा मन भी अट्रैक्ट होता है कौन सी भौतिक चीजों में, वस्तुओं में। तो ये जो अट्रैक्शन है, इस कारण से हमारी फैक्ट्रियों में उत्पादन भी बहुत ज्यादा, जरूरी नहीं है लेकिन ज्यादा उत्पादन होता है, और ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो फैक्ट्रियों से धुआं कम निकल रहा है या ज्यादा निकल रहा है? बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, और जितना ज्यादा धुआं निकल रहा है, जितनी ज्यादा विषैली गैसेस निकल रही है, उतना क्या हो रहा है, वहां वो जो ओजोन की परत है वो हांफ रही है, खांस रही है, कह रही है कि अभी ये कम करो, ये गैसेस कम करो, नहीं तो मेरी परत यहाँ खत्म हो रही है, और मेरी परत खत्म होते जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपको ही नुकसान होगा। लेकिन हमारा ध्यान उधर कम है, ज्यादा ध्यान कहाँ है, सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान है, बस मेरे लिए ही करना है ना, सब अपने लिए कर रहे हैं ना। लेकिन हम इस चीज को अभी समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आज यह कार्यक्रम आप सबके सामने लाया गया है, कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम जितना चीजों का उपभोग कर रहे हैं, उतना उतना हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए जागरूकता लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए, कि हम सब इकट्ठे सदा गवर्नमेंट की ओर फिंगर पॉइंटिंग करने से या दूसरों को सदा फिंगर पॉइंटिंग करने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करें, आत्म परीक्षण करें, और एक नजर अपने घर में घुमाएं, अपनी अलमारियों में घुमाएं, जो जो चीजें मेरे पास है, क्या वो सारी चीजें मेरी जरूरत की है, या कोई ऐसी भी चीजें हैं जो मैंने एक दो या तीन साल से छुई भी नहीं है, उसका रैपर भी अभी तक निकला हुआ नहीं है, वैसी ही पड़ी हुई है, तो क्या हो गया,
चीज तो खरीद ली, यूज में नहीं लाई, लेकिन तब तक बहुत सारा विषैला गैस तो चला गया ना, और वो चीज तो इधर ऐसी ही पड़ी है, मतलब मेरी जरूरत की नहीं है। तो हम सबको अपनी ही मदद करनी है, एक तो कंज्यूमरिज्म, दूसरा हम ये जो व्हीकल्स यूज करते हैं, बड़ी ते बड़ी गाड़ियां, भारत में बड़ी बड़ी गाड़ियां हम यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या जरूरी है? एक घर में दो गाड़ी जरूरी है? कहते हैं नहीं, हमारे टाइमिंग्स अलग अलग है। क्यों? क्या हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एक गाड़ी में यदि ड्राइविंग करने वाले के साथ हम ले तो चार लोग एक गाड़ी में जा सकते हैं। ठीक है, किसी का रास्ता थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा जहां रास्ता के पहले ही कहीं हम उतर जाए और थोड़ा आधा किलोमीटर यदि चले तो कोई नुकसान है? और तो सेहत के लिए अच्छा ही है, लेकिन कौन चले, क्यों चलूं? मैं तो खरीद सकता हूं गाड़ी, क्योंकि मेरा आधा किलोमीटर रास्ता अलग है, हटके है, या मेरा ऑफिस का टाइमिंग आधा घंटा या 15 मिनट बाद में है, तो 15 मिनट के लिए, आधे किलोमीटर के लिए हम और एक गाड़ी खरीद लेते हैं। बहुत अच्छा, बधाई हो आपको। लेकिन आप कितना सारा जो है गाड़ी का धुआं निकलता है, एक गाड़ी का धुआं निकलने के बजाय चार गाड़ियों का धुआं निकल रहा है, और एक फैमिली की बात नहीं है, ऐसे हजारों फैमिलीज की बात है। दिल्ली जैसे शहर में तो हमको पता है ना, बीच बीच में तो क्या हुआ था, जिसका नंबर प्लेट इवन है, ऑड है, उस अनुसार गाड़ियों को रोड पर लाना है, ऐसी भी बात हुई थी, ऐसा भी एक्सपेरिमेंट हुआ था। क्योंकि ये जो धुआं है, ये जो नुकसान कर रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि सारी ही धरती ठहर जाएगी। क्या हम ऐसे चाहते हैं? या जीवन चलता रहे? जीवन का मतलब ही जैसे नदी का पानी बहता रहता है, ऐसे हमारा जीवन भी चलता रहे। तो यदि जीवन ऐसे चलते रहना है तो हमको अपनी ये जो उपभोगता, मतलब कंज्यूमरिज्म की आदतें हैं, इसको कम करनी पड़ेगी। और लॉकडाउन के समय हम सबको याद है, हम सब ने क्या अनुभव किया, प्रकृति स्वच्छ हो गई थी, स्वच्छ हो गई थी ना। कितने सारे हमने देखे छोटे छोटे वीडियोस, कैसे पशु पक्षी एकदम खुश थे, रोड पर आवाज नहीं थी तो वो अपने छुपे हुए जगहों से रोड पर आ गए थे, और वातावरण भी एकदम साफ हो गया था, हुआ था ना। तो उस समय यह ओजोन परत कितना खुश हो रहा होगा। हम लॉकडाउन में थे तो प्रकृति बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन हमको लॉकडाउन में भी नहीं रहना है और प्रकृति का भी ध्यान रखना है, ओजोन की परत बनाए रखना है। यदि हम यह एक जागरूकता अपने में रखें, इसकी अवेयरनेस सदा अपने साथ रखें और मिनिमम सादगी से जीवन जिए, तो जरूर हम यह ओजोन लेयर, जिसमें इतना परत का संरक्षण बहुत जरूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट यह विषय दुनिया में आज चर्चा में है, हमारी सादगी वाली लाइफस्टाइल से हम बहुत अच्छी तरह से प्रकृति को मदद कर सकते हैं। प्रकृति हमको कितना देती है, क्या हम ये छोटी सी बात प्रकृति को नहीं दे सकते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल में सिंप्लिसिटी लाए, कम चीजों का इस्तेमाल करें, ज्यादा कोऑपरेट करके व्हीकल्स कम यूज करें, साइकिल यूज करें, तबीयत भी ठीक होगी और प्रकृति को भी हम मदद कर सकते हैं।
इसके लिए लेकिन चाहिए विचारों में सादगी। अभिमान यदि हम रखेंगे चीजों का, ये है मेरे पास, इतना है मेरे पास, तो हमारा अभिमान याद हमको करना पड़ेगा उस ओजोन परत को कम करने में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कम कर रहा है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहें, उसका फ्रेंड बनकर रहें और एक सादगी वाले जीवन से, सादे विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग कहा जाता है ना, तो ऐसे हम मदद करें। आप सब भाई बहनों से हमारा यही एक अनुरोध है कि हम सादगी अपनाएं और मदद दें कि यह ओजोन परत बनाए रहे और इस धरती पर जीवन चालू रहे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि बहन जी का, जिन्होंने हम सबको सिंप्लिसिटी और सस्टेनेबिलिटी के कनेक्शन से अवगत कराया। हमारा सिंपल होना इस संसार को सस्टेनेबल बना सकता है, और इसीलिए कहा जाता है कि सादगी जितनी खूबसूरती किसी और चीज में नहीं होती। पुनः आप सबकी तरफ से अंजलि बहन का धन्यवाद। दोस्तों, वक्त है एक बहुत ही सुंदर गीत को सुनने का। इस गीत को सुनते सुनते जो दृश्य हम देखेंगे उससे हमें पता चलेगा कि क्या हमारे विचारों का असर होता है। आखिर ये बात कही ही जाती है कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। आज जो कुछ भी हमारे जीवन में दिखता है सब कुछ हमारे सोच का ही तो रिफ्लेक्शन है। इस सुंदर गीत को लेकर हमारे सामने आ रहे हैं बहुत ही जाने माने गायक हरीश मोयाल जी। गीत के बोल हैं, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो मन में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी के होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल, ये चीज हम कितने बार सुनते आए हैं, मगर जब इस गीत में सुन रहे थे तो पता चलता है
कि अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, स्वदर्शन आत्मदर्शन करने की, अपने आप से कुछ सवाल पूछने की आवश्यकता है, तब जीवन में परिवर्तन संभव हो सकता है। हरीश मोयाल जी का धन्यवाद जिन्होंने इतना अर्थपूर्ण गीत हमारे सामने साझा किया। दोस्तों चलिए अगले सत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सत्र के लिए हमने विषय रखा है लिव एंड लेट लिव, यानी जियो और जीने दो। ये एक बहुत बड़ा संदेश है जो सदियों पहले से हमारे सामने आया हुआ है कि हम सिर्फ जीने के बारे में नहीं मगर सभी को जीने के इक्वल अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी इस देश में चिंतन करते आए हैं। और इन महान चिंतनों की धारा ने न जाने जीव दया पर और सहिष्णुता पर अनेकों सिद्धांत भारत में प्रफुल्लित करने में सहयोग दिया है। इस एक सिंपल विचार पर आज चर्चा करते हैं। आज के इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे वक्ता के रूप में डॉक्टर अवतार सिंह जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अवतार सिंह जी एक PhD होल्डर हैं और रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग डिवीजन ICAR NDRI करनाल से। उन्हें 2006 में भारत एक्सलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया है और साथ साथ 2010 में उन्हें डॉक्टर डी सुंदरेशन बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड भी दिया गया। इसके साथ ही 2015 में उन्हें हरियाणा गौरव सम्मान भी दिया गया है। आइए जानते हैं उनसे आज के विषय पर। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, ओम शांति। सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ ऑर्गेनाइजर्स का जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज के समय के लिए बहुत ही रेलेवेंट है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, इस टॉपिक पर अपने विचार अभिव्यक्त करने का मौका दिया। मैं फिर से आभार प्रकट करता हूँ। आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो बचपन में हमने पढ़ी थी। एक राजकुमारी विद्योत्तमा बहुत विदुषी थी और उसने एक शर्त रखी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उसके साथ स्वयंवर रचाऊंगी। तो बहुत विद्वान आए, उन्होंने शास्त्रार्थ किया लेकिन कोई भी उससे जीत नहीं सका, सभी विद्वान हार गए। तो उन्होंने सोचा कि इससे बदला लेना चाहिए और किसी मूर्ख को हमने ढूंढना चाहिए जिसकी शादी हम इससे किसी तरह करा दें। तो उन्होंने क्या किया, उस मूर्ख को ढूंढना शुरू किया तो देखा एक जंगल के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम कालिदास था, वो देखा कि वो जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है। तो उन्होंने देखा, अरे इतना महामूर्ख मिल गया आज, तो उसको उन्होंने सहमत कराया कि तुम्हारी हम शादी करा देते हैं एक राजकुमारी के साथ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुझे मौन रहना है, जब वो कोई इशारा करे तो उसका जवाब देना है। तो वो राजी हो गया। तो उसको शास्त्रार्थ कराने के लिए उसके घर ले गए। तो वहाँ पर जब शास्त्रार्थ हो रहा था तो उन्होंने कहा, ये मौन साधना में है, ये संकेतों की भाषा में ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा सहमत हो गई। तो विद्योत्तमा जब शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो विद्योत्तमा ने एक उंगली की, उसका मतलब था गॉड इज़ वन, परमात्मा एक है। तो कालिदास ने समझा, ये मुझे कह रही है कि मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी, क्योंकि मूर्ख था। तो उसने आगे से दो उंगलियां की। तो विद्वानों ने उसका अर्थ किया, कालिदास तो ये सोच रहा था कि तू मेरी एक आंख फोड़ोगी मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा,
लेकिन विद्वानों ने उसका अर्थ किया कि परमात्मा निराकार तो है ही है, लेकिन जब अवतरण होता है, उसका अवतार लेता है, तो वो साकार रूप भी धारण कर सकता है। इसलिए निर्गुण निराकार सगुण साकार जैसे वो कहते हैं भक्ति मार्ग में, उसके दो रूप हैं, ये कह के विद्योत्तमा इसमें हार गई। फिर विद्योत्तमा ने ऐसे पांच उंगलियां दिखाई तो कालिदास ने समझा कि ये मुझे थप्पड़ दिखा रही है, तो कालिदास ने आगे से मुक्का दिखाया। तो विद्वानों ने उसका अर्थ किया कि विद्योत्तमा का अर्थ तो था कि पांच तत्वों से ये जगत बना है, ये जगत पंचीकृत है, लेकिन विद्वानों ने अर्थ किया कि पांच तत्व अलग अलग कुछ नहीं कर सकते, जब वो संयुक्त होते हैं, मिल जाते हैं, तब इस संसार की रचना होती है। तो इस तरह से विद्योत्तमा शास्त्रार्थ हार गई और उसकी शादी कालिदास से हो गई। लेकिन उसको ये पता लगते देर नहीं लगी कि वो महामूर्ख है और अनपढ़ है, ग्वार है, तो उसने जो है उसको घर से निकाल दिया और कहा, कालिदास घर तब लौटना जब तुम विद्वान बन जाओ और जब तुम ख्याति प्राप्त हो जाओ, तब घर लौटना। तो कहते हैं कालिदास ने देवी की साधना की और उसके पश्चात उसके ऊपर कृपा हुई, वो बहुत संस्कृत का विद्वान बन गया। और उसको यहाँ तक कि महाराजा विक्रमादित्य ने उनको अपने राज्य में नवरत्न की उपाधि दी, नवरत्नों में से वो एक था, इतना उद्भट विद्वान बना कालिदास, उसको भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। ये तो कहानी थी कालिदास की, जो इसलिए याद की जाती है कि वो जिस शाखा पे बैठा था उसी को काट रहा था। वो तो पहले मूर्ख था, हम पढ़े लिखे मूर्ख हैं, वैज्ञानिक लोग भी, और हम लोग बहुत पढ़े लिखे PhDs भी जो हैं, जिस शाखा पर हम बैठे हुए हैं, जिस धरती पर हम बैठे हुए हैं, हम उसी धरती को समाप्त करने के हर वक्त उपाय कर रहे हैं। क्या हम उस कालिदास से कम हैं जो पहले अनपढ़ ग्वार था? तो हम भी वही मूर्खता कर रहे हैं। बात आती है जियो और जीने दो, इस सिद्धांत को भारत ने तो अपनी अंतरात्मा से जिया है, सदा से जिया है और उसका पालन किया है। कई लोग कहते हैं इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि भारत देश ने आज तक किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है। फिजिकल आक्रमण की तो बात छोड़ो, किसी पर वैचारिक आक्रमण भी नहीं किया है, किसी भी देश के साहित्य में मिलावट नहीं की, किसी के साहित्य को कभी नष्ट नहीं किया है। बल्कि भारत का हृदय तो इतना विशाल है कि यहाँ पर विरोधी विचारधाराएं भी पनपती रही, विरोधी विचारधाराएं भी साथ साथ बहती रही। यहीं पर आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, चार्वाक दर्शन, हर प्रकार के दर्शन यहाँ जो हैं उपजे इस धरती के ऊपर, और किसी ने उसका विरोध नहीं किया। और प्राकाष्ठा तो ये है कि महात्मा बुद्ध, जिन्होंने ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा, मौन रहे सारी ज़िंदगी, और वो कई लोग बुद्ध दर्शन को, बौद्ध दर्शन को जो है नास्तिक दर्शन भी कह देते हैं, लेकिन उसको भी जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उन्होंने उनको भी भगवान के अवतार के रूप में स्वीकार किया, विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार किया। तो देखिए, भारत देश ने तो जियो और जीने दो को संकल्पों और विचारों तक भी जिया है। ये है सिद्धांत का पालन। लेकिन ये जो है जियो और जीने दो का सिद्धांत, इसकी अंतरात्मा क्या है? मनुष्य में जीवेशना स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। जीवेशना अर्थात जीने की एशना, जीने की इच्छा, जीने की कामना। मनुष्य में अनंत जीने की कामना है। क्यों? मनुष्य कभी मरना नहीं चाहता,
कोई भी कभी मरना नहीं चाहता। आपको जब भी खतरा होता है तो आप वहाँ से भाग जाते हैं, आप अपने शरीर को भी बचाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग कई बार कहते हैं धर्म के अंदर कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। लेकिन यह इंसान बड़ा अद्भुत है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, मुक्ति मांगता है और मुक्त होने से डरता है। कैसा है यह इंसान? किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, मेरे दिल के कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। बड़ों की दुनिया कैसी हो गई है, झूठ वाली, ठगी वाली, फरेब वाली, शोषण की दुनिया। तो बच्चा वो अपनी मासूमियत नहीं खोना चाहता। ये जो अनंत जीवन की कामना है ये क्यों है, इसका साइंस क्या है? क्योंकि हम बेसिकली इंट्रिंसिकली वी आर ए सोल, हम आत्मा हैं। अजर अमर अविनाशी, हे अर्जुन तुम आत्मा हो, तुम वस्त्र नहीं हो, तुम वस्त्री हो, तुम देह नहीं, तुम देही हो। तो हमें उसको समझना होगा, उस आत्मा के अंदर, उस आत्मा के अंदर जो है अनंत जीवन की कामना है, वो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं लगता कि हम कभी मरेंगे, बिकॉज कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ इज़ देयर। जिंदगी चलती रहेगी, देह के वस्त्र बदलते रहेंगे और ये यात्रा चलती रहती है, रूहानी यात्रा है। लेकिन आज दुख की बात बहुत बड़ी है, जियो और जीने दो के सिद्धांत को बहुत बड़ी चोट लग रही है। खान पान का सामान, सब्जियां, फल, दूध, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से युक्त, अब लोग सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, ड्रग एडिक्शन कर रहे हैं, 24 घंटे तनाव में जी रहे हैं। बहुत सुंदर घर हैं, बहुत सुंदर कारें हैं, रात को नींद नहीं आती है, टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तनाव है, तनाव की गोलियां लेते हैं, एंग्जाइटी है, वरी है, डिप्रेशन है, फियर है। कोरोना काल में स्टैटिस्टिक्स आई थी कि 23% केसेस कोरोना काल में डिप्रेशन के बढ़ गए थे। ये दुनिया को हमने कांटों का जंगल बना दिया, जो कभी फूलों का बगीचा थी, आज हर चीज़ डिसऑर्डरली हो गई है, चारों तरफ अराजकता फैल गई है, हम देख रहे हैं समाज में। तो हम लोग बहुत वीक होते जा रहे हैं, हमारी सोल वीक हो गई, हम कमज़ोर हो गए, हम इतने स्वार्थी हो गए, इतने ग्रीडी हो गए हैं कि हमने प्रकृति को भी नहीं छोड़ा, हमने प्रकृति को भी ओवर एक्सप्लॉइट किया, हमने जंगल काट दिए, हमने खेती वाली ज़मीनों में मकान बना लिए, हमने फॉरेस्ट कवर को कम कर दिया। अब परिणाम देखो, ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कैंसर के केस बढ़ रहे हैं, ग्लोबल कूलिंग भी मुझे तो लगता है बढ़ रही है। कई जगह हम देखते हैं कि जंगली पशु, अब क्योंकि उनका ठिकाना हमने उजाड़ दिया, उनका घर हमने उजाड़ दिया, तो शहरों की तरफ आ रहे हैं। कई बार हम टीवी पे देखते हैं कि पशु किसी गांव में घुस गए, शहर में घुस गए, वो पशु वो पुकार पुकार के कह रहे हैं, हे मानव तुम अपने घरों में ही रहो तो अच्छा है, हमें कम से कम अपने घरों में तो रहने दो, क्यों हमारे भी घर उजाड़ने में लगे हुए हो, पहले भी तुमने हमारी कितनी जातियां, जो प्रजातियां थी उनको विलुप्त कर दिया है, अब वो गुरैया चिड़िया कहाँ नजर आती है। मनुष्य के लोभ की भी देखो सीमा कमाल हो गई, इस कोरोना काल में तो मनुष्य ने कमाल कर दी, उसकी अपनी पूरी उसने कॉन्शियंस दिखा दी, अंतरात्मा दिखा दी कि कितने बुरी तरह से गिर चुके हैं हम, मोरली चरित्र हमारा ख़त्म हो गया है। जो जीवन रक्षक दवाइयां थी कोरोना काल में 10-10, 20-20 गुना रेट पे हमें मिली,
और वो इंसान हैं या हैवान हैं, क्या कहें, क्या वो जी रहे हैं? और वो भी तो लोग थे जिन्होंने दूसरों की सेवा की उस वक़्त। कितने गुरुद्वारों ने कितनी सेवा की, और भी कितनी संस्थाओं ने, एनजीओज ने कितनी सेवा की, और एक तरफ ये लोग थे जो एक एक टीके की कीमत कितने गुना ले रहे थे। इसलिए जियो और जीनों के सिद्धांत, जो जीने का सिद्धांत है, इसको अगर हमें लागू करना है, इसको लागू तो करना ही है, तो हमें क्या फॉलो करना होगा? सबसे पहला सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम रिलीजन। किसी को दुख नहीं देना, किसी को पीड़ा नहीं देनी, किसी की हत्या नहीं करनी, ये पॉलिसी हमें अख्तियार करनी होगी। और भारत देश में तो, जैसे हमने शुरू में भी कहा, भारत ने किसी पे हमला नहीं किया, किसी के साथ हिंसा नहीं की। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म तो हिंसा परमो धर्म पे काफ़ी टिका हुआ है। किसी भी प्राणी को, इवन वनस्पति जगत को भी, मन से, वाणी से, कर्म से कभी हमें कष्ट नहीं पहुंचाना है, किसी की हत्या नहीं करनी है। दूसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ को एग्जिस्टेंस। तुम भी रहो, हम भी रहें, तुम भी मुस्कुराओ, हम भी मुस्कुराएं। हमें क्या प्रॉब्लम है, हम दूसरों को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? ऐसा धर्म तो त्याज्य है जो मानवता को ख़त्म करे, ऐसे धर्म को तो छोड़ देना चाहिए। इसीलिए गीता में कहा गया सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरणम व्रज। भगवान कहते सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। अहम तो असर पापे भी मोक्षिष्यामी मा शुचः। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब वही वेला आ गई है, लेट अस लिव इन पीस विद अदर्स डिस्पाइट डिस्पैरिटी एंड डिफरेंसेस। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ कोएग्जिस्टेंस को हमें मानना चाहिए। और किसी के जो भी रीति रिवाज हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनको हमें सम्मान देना चाहिए। सबसे प्रेम करो, किसी का हक नहीं मारो, सबके साथ एकता सद्भाव से रहो। और एक बात ध्यान रखें हम, अब वी शुड मूव फ्रॉम रिलीजन टू स्पिरिचुअलिटी। अब धर्मों से पार हमें जो हर धर्म की कोर वैल्यू है, उसको हमें ढूंढना होगा। और वो सेम है, वो क्या है? शांति। हर धर्म शांति चाहता है, हर धर्म प्रेम चाहता है, हर धर्म पवित्रता चाहता है, प्योरिटी को एडवोकेट करता है। तो हमें इन सब बेसिक जो कोर वैल्यूज़ हैं, सद्भाव, एकता, प्रेम, इनको बढ़ाना होगा तो समाज में बहुत, और धर्मों से ऊपर उठना होगा। क्योंकि कई धर्म की ऐसे मान्यताएं, ऐसे बिलीफ सिस्टम हैं जो समाज को एक रखने में डेंजरस हैं, जो एकता को तोड़ने वाले हैं। और तीसरा हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये संसार बहुत खूबसूरत है, बहुत डाइवर्सिटी है, ये वैरायटी शो है। अगर सारे एक जैसे हों तो क्या आनंद आएगा? नहीं आएगा ना। अगर सिर्फ एक ही तरह का फूल हो, एक ही तरह की जाति हो, आनंद आएगा क्या? नहीं। तो वैरायटी शो है ये, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो ये संसार जो है, एक बुके की तरह है, एक गुलदस्ता है, उसमें अलग अलग फूल हैं, अलग अलग रंग हैं, सुंदर रंग। तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। हमें दूसरों को ख़त्म करने की कभी नहीं सोचनी चाहिए। जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड को मानता है, क्योंकि हम एक ही पिता के बच्चे हैं। अब हमें आध्यात्मिकता के शरण में जाना होगा। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, सब कुदरत के बंदे हैं, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, सब एक पिता की संतान हैं। हमें इस भाव को और मजबूत करना है। कई बार ऐसा लगता है कि संपूर्ण मानवता से बहुत बड़ी भूल हो गई, अपराध हो गया, पाप हो गया है,
क्योंकि कुदरत भी हमसे रूठ गई है, बाढ़ आ जाती है, वोल्केनो फट रहे हैं, तूफान आ रहे हैं अलग अलग तरह के, भूचाल आ रहे हैं, बिजली गिर रही है, कुदरत भी रूठ गई, कादर भी रूठ गया लगता है, कुछ समझ नहीं आता हम क्या करें, हम किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में है। बट वी हैव किल्ड आवर कॉन्शियंस, हमने अपनी ज़मीर को पदार्थों के लिए, वस्तुओं के लिए जो है बेच दिया है, गिरवी रख दिया है, ज़मीर का सौदा हम करते हैं जागीर के लिए, फिर पछताना तो पड़ेगा। हमें करना तो एवोल्यूशन था, ए मानव इस धरती पे तू आया था अपना एवोल्यूशन करने के लिए, तू आया था नर से नारायण बनने के लिए, तू आया था नारी से लक्ष्मी बनने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया आकर, तुम तो डेवोल्यूशन में चले गए, तुम नर से नर पिशाच बन गए, तुम मानव से भी दानव बन गए, असुर बन गए, तुमने इस संसार को नरक बना दिया। लेकिन मेरे भारत देश का ये सिद्धांत रहा है, कौन सा, ओम शांति शांति शांति, हमारे जितने भी मंत्र हैं लास्ट में होता है ओम शांति शांति शांति, यही ब्रह्मा कुमारीज का संबोधन भी है, ओम शांति। कोई भी जब हम आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं, ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तुम भी शांत स्वरूप हो, परमेश्वर शांति का सागर है, मैं शांति धाम से आत्मा आई हूँ, इसलिए सारे संसार में हमें शांति रखनी है। यही संदेश, हम भी शांति से रहें, तुम भी शांति से रहो, प्रकृति भी शांति से रहे, प्राणी जगत भी शांति से रहे, वनस्पति जगत भी शांति से रहे, जड़ जगत भी शांति से रहे, कहीं कोई उपद्रव ना हो, सब जगह शांति हो, शांति हो, शांति हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सहिष्णु बनना होगा, हमें टॉलरेंट बनना होगा, हमें एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा, हमें संकीर्ण धारणाओं से ऊपर उठना होगा, हमें धार्मिक कट्टरता को और किसी भी प्रकार की कट्टरता को छोड़ना होगा, हमें आत्मरक्षा के लिए भी तैयार होना होगा, क्योंकि आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है, हमें स्वयं का आध्यात्मिक सशक्तिकरण करना होगा, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट करनी होगी, हमें कर्म योगी बनना होगा। गीता में भी अर्जुन को कहा, तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो अपि मतो अधिक, कर्मिश्च भ्यो अधिको योगी, तस्मात् योगी भर्व अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन, योगी बनो, क्योंकि तपस्वियों से, ज्ञानियों से, घोर कर्मियों से, कर्मकांडियों से योगी श्रेष्ठ है। दूसरा फिर कहा, योगस्त कुरु कर्माणी, संगम त्यक्त्वा धनम जय, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, कर्म योगी बन, योग में स्थित होके कर्म कर, तू योग्य बन, योग में स्थित होके कर्म कर, मेरी याद में तू कर्म कर, असंग होके कर्म कर, अनासक्त होके कर्म कर, डिटैच होके कर्म कर, और फिर सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, सक्सेस मिले या फेलियर मिले, दोनों में समान रहना, अपना पुरुषार्थ पूरा करना, लेकिन फिर जो भी सिद्धि मिले चाहे असिद्धि मिले, इसे ईश्वर का वरदान समझ लेना। तो कर्मयोगी हमें बनना होगा, और ये याद रखना होगा, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, यही राज है जिंदगी का, जियो और सबको जीना सिखा दो, जियो और सबको जीना सिखा दो। टुडे इज इंटरनेशनल ओजोन डे, ओजोन हैज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, लेट अस टुडे एंटर इनटू गॉड्स जोन,
ओजोन डे पे कौन सी जोन में एंटर करना है, लेट अस एंटर इनटू गॉड्स जोन ऑफ थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सत्यम शिवम एंड सुंदरम, लेट अस बी ट्रूथफुल, लेट अस बी बेनेवोलेंट एंड लेट अस मेक दिस अर्थ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन विद आवर कंसर्टेड एफर्ट्स, विद द एफर्ट्स ऑफ वन एंड ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत प्यार से सुना। मैं ऑर्गेनाइजर्स को एक बार फिर से साधुवाद कहता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। डॉक्टर अवतार सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज के इस विषय पर जियो और जीने दो पर बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला। हम सबको आज फिर से वो प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं और जहाँ सिंप्लिसिटी की बात करते हैं, तब क्या हमें जियो और जीने दो इस मंत्र से शिक्षाएं नहीं मिलती, कितना सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ते हुए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो अपनी शुभकामनाएं देंगे और आज के इस विषय पर अपने विचार भी व्यक्त करेंगे। हमारे साथ हैं श्री एस के सिन्हा जी, जो डायरेक्टर हैं SPMCIL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आइए जानते हैं उनसे उनके हृदय के उद्गार। श्री एस के सिन्हा जी। ओम शांति। माय सादर प्रणाम टू ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द अपकमिंग विश्वकर्मा पूजा। आई एक्सटेंड माय हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स एंड विशेस टू ऑल द इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट एंड द इंटायर फैमिली ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन ए सेमिनल वे फॉर द नेशन बिल्डिंग and have made our life more meaningful, vibrant and qualitative. So this is the day to reaffirm our solemn commitment to the constant pursuit of these scientists and engineers for the excellence beyond and the planet. Really, the umbrella theme of the e-conference which is being organized on this occasion in the spiritual center of Mount Abu is very pertinent and thought stimulating. That is beyond excellence, people and planet. I will share here based on my about 28 years of personal as well as professional experience some of the nuggets which can basically enable us to shape us to achieve beyond excellence along with the required balance for the need of the planet. The integration of the objective which focuses on sustainable development is very essential to make a balance between people and planet, that is the Mother Earth. So the way we are progressing, the way we are developing, any excellence, any development should not be with limited concern to make the present generation happier and prosperous. Rather, it should aim at taking care of the needs of the future generation also. We all need to remember that each one of us is different and that the way the Almighty have made us. And each one of us has the potential to achieve excellence and beyond. However, we need to embrace certain methods, certain regimens in our life with deep trust, conviction, and unwavering faith in the Almighty. And that's why it finally boils down to these three gems, which I consider very, very important to achieve the objective. Number one is the physical vitality. Second, the mind power. And third, the spiritual strength. Now for the first one, that is physical vitality, we all need to start our morning in a very positive note, purposefully as well as brightly. We all need to remember that juice of happiness flows
very early in the morning. And for mind power, we must appreciate this fact that our mind has got immense potentials and we use only fraction of it. And we all also can appreciate that everything on this earth which the mankind has created have been created twice. First in the works of the mind, and then it manifests in the reality. So mind, we all should remember, is like a fertile garden. For it to flourish, you must nurture it daily. Never let the weeds of impure thought roam around in the garden of your mind. We all need to stand like a guard at the gateway of our mind. Keep it healthy and strong, and definitely it will work miracles. And the third aspect, that is the most important one, is the spiritual strength. This flows from within. Excellence on the outside begins from within only. And this can come, or this can be achieved only through spirituality, sadhana. Brahma Kumari have been doing a wonderful work in this respect, and they have been trying to brighten the life of the mankind in their own way for a long period of time. The belief that yes, I can is more important than anything else. So expect the best things to happen and behave in such a manner, or believe in such a manner, that everything is happening perfectly here. In the way to achieve the excellence and beyond, even if you struggle, please keep in mind the unflinching faith that struggle only comes from the strength. Even pain can be a wonderful teacher for all of us. And to transcend pain, you need to experience it. And only then you can really know the immense joy of being on the summit or top of a mountain when you have passed through the lowest valley which is available on the way. So spirituality will bring you the powers of self-affirmation, auto-suggestions and visualization. And so you can be a pure possibilitarian, and that is the way to achieve excellence and beyond. And finally, we all should remember that the journey of 1,000 miles begin with one small step. So this is the time to begin with and go further and achieve the excellence. I'm very aptly reminded of a very famous quote by Maharshi Patanjali here. I would definitely feel that you all would appreciate it. But Maharshi Patanjali has said that when you are inspired by some great purpose, some extraordinary project, all of your thoughts break their bonds. Your mind transcends limitation, your consciousness expands in every direction, and you find yourself in a new, great and wonderful world. Dormant forces, faculties and talent become active, and you yourself discover to be a great person than you ever dreamed to be. Om Shanti. बहुत बहुत धन्यवाद श्री एस के सिन्हा जी का, जिन्होंने हमारे सामने अपने शुभकामनाएं रखी और अपने विचारों को व्यक्त किया। कंफर्टेबल होकर बैठी, अपना ध्यान सब बातों से हटाकर अपने ऊपर फोकस करें, शरीर को रिलैक्स करें। Relax all the muscles and nerves in the body. Let yourself settle into a very calm and relaxed state. Sara sharir aur indriyan
शांत और स्थिर है। मन भी रिलैक्स्ड और फोकस्ड है। अब अपना ध्यान मस्तक के बीच, इन आंखों के पीछे भ्रिकुटी पर एकाग्र करें। बुद्धि के नेत्र से अपने सत्य स्वरूप को रियलाइज करें, मैं कौन हूं। इस शरीर में सोचने समझने वाली, महसूस करने वाली, इंद्रियों से कर्म करने वाली, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा, अ पॉइंट ऑफ एनर्जी, अ स्पार्क ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। I am a spiritual being playing a role through this body. मैं आत्मा इन इंद्रियों की मालिक हूं, जब चाहूं इनसे कर्म कर सकती हूं, जब चाहूं इन्हें रिलैक्स कर सकती हूं। इसी तरह मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि की मालिक हूं, जब चाहूं अपने थॉट्स को जिस दिशा में ले जाना चाहूं ले जा सकती हूं। किसी भी मोमेंट अपने ध्यान को जहां फोकस करना चाहूं कर सकती हूं। सारा दिन अपने रोल में हम बिजी रहते हैं, उस समय हमारा ध्यान कोई ना कोई कर्म में, किसी बात में, दूसरे व्यक्ति में, हमारे आसपास जो हो रहा है उन बातों में फोकस्ड रहता है। कर्म करते हुए बीच बीच में हम अपना अटेंशन बाहर से विड्रॉ कर, अपने रोल से विड्रॉ कर, अपने सत्य स्वरूप में एकाग्र करें। एक शुद्ध संकल्प में अपने को एकाग्र करें और उसकी अवेयरनेस में स्थित हो जाएं। कुछ समय के लिए मन बुद्धि द्वारा चलें इस देह और देह की दुनिया से पार। मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, चैतन्य आत्मा, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, सूर्य चांद ग्रहों से भी पार, एक दिव्य प्रकाशमय लोक में पहुंच गई हूं।
ये शांति धाम, परम धाम, मेरा स्पिरिचुअल होम, रूहानी घर है और यहां मेरे पिता, परम पिता परमात्मा भी हैं। शांति के सागर, सारे विश्व को शांति और प्योर वाइब्रेशंस देने वाले सर्वशक्तिवान, परम पवित्र परमात्मा, मैं उनके समीप, उनके सामने स्थित हूं। जैसे सूर्य की रोशनी में हम खड़े होते हैं तो उसकी किरणों से प्रकाश और शक्ति लेते हैं, ऐसे ही परमात्मा की शक्तिशाली वाइब्रेशंस मुझ आत्मा के अंदर शांति और शक्ति की वाइब्रेशंस फैला रही हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ज्ञान सूर्य परमात्मा की ये शक्तिशाली वाइब्रेशंस मुझे शांति से भरपूर कर रही हैं। अब इस अनुभव को अपने अंदर समाकर मैं अपने मन बुद्धि द्वारा फिर से अपने रोल में लौट रही हूं। इस शांति की वाइब्रेशन को अपने अंदर चारों ओर महसूस करें। फील दिस एनर्जी ऑफ पीस फ्लोइंग इनटू एवरी सेल इन द बॉडी, रेडिएटिंग ऑल अराउंड यू। अब इस शांति की एनर्जी को हम अपने रोल में, हर संबंध में, हर कर्म में, हर सिचुएशन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, इस ई सम्मेलन का यही उद्देश्य है कि हम
नए विचारों को अपने जीवन में उतारें। जो चीज़ें हम नहीं जानते उन्हें जानने का प्रयास करें, और जिन्हें हम जानते हैं उन्हें जीवन के साथ ओतप्रोत करने का प्रयास करें। आज के सुबह के सत्र में बस इतना ही। आज शाम के सत्र में फिर से मुलाकात होगी। शाम को 6 बजे हमारे साथ जुड़ना न भूलें। हमारे साथ विशेष सत्र में ब्रह्मा कुमार अरुण भाई, श्री एम के सिंघी जी और प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन जी होंगे। तो जुड़ना न भूलें शाम के सत्र में। तब तक के लिए रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार। ओम शांति। हम सब अपनी सृष्टि को लेकर चिंतित हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। शायद हम ये राज भूल चुके हैं कि संकल्प से सृष्टि बनती है। इंजीनियर्स डे, ओजोन डे और विश्वकर्मा डे के उपलक्ष में ब्रह्मा कुमारीज साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स विंग लाए हैं 3 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस बियॉन्ड एक्सीलेंस पीपल एंड प्लैनेट। पंद्रह, 16 और 17 सितंबर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक अवेकनिंग टीवी चैनल पर टाटा स्काई 1084, जियो टीवी 1060 और ब्रह्मा कुमारीज यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर।